थे सूचना मिल जाए उसके। हम लोग यहाँ पे आज तीन तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक है गॉस लॉ का, दो एप्लीकेशन थे गॉस लॉ का, मैंने आपको कहा हुआ था क्या एप्लीकेशन था। पहला एप्लीकेशन था अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए पाए किसी रीजन पे तो आप ना है डिटरमाइन। पहला तो हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए देख लिया, लाइन चार्ज के लिए देख लिया, फिर सरफेस चार्ज के लिए देख लिया मतलब शीट के लिए देख लिया, फिर हमने हॉलो और सॉलिड स्फीयर भी देख लिया। तो ये तो हमने देख लिया कि हम लोग को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिटरमाइन करना है। अब दूसरा एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का कि आपको एक रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिया हुआ है, आपको उसके बेसिस पे चार्ज कितना है। तो ये वाला क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। फिर ये जब हो जाएगा तब हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश। एक और एक एप्लीकेशन तरीका है कि प्लेट्स एंड कंसेंट्रिक स्फीयर्स में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग देखेंगे। कंसेंट्रिक स्फीयर्स में मतलब अगर मानो कि ऐसे प्लेट अरेंजमेंट है, ऐसे तीन प्लेट हैं, चार प्लेट है, मतलब कुछ भी ऐसा प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, तो अगर मैं इस पे चार्ज क्यू दे देता हूँ, इस पे टू क्यू दे देता हूँ, इस पे माइनस थ्री क्यू दे देता हूँ, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे चार्ज ये दूसरे पे, ये तीसरे फेस पे, ये चौथे, ये पांचवे फेस पे, ये छठे फेस पे, इस तरीके से हर एक फेसेस पे चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर ऐसे कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर्स हैं ऑफ डिफरेंट रेडियस, तो अगर मैंने यहाँ पे क्यू, यहाँ पे टू क्यू और यहाँ पे माइनस थ्री क्यू, मैं कुछ भी चार्ज कहीं पे भी दे सकता हूँ, तो मेरे को इसके अंदर, इसके बाहर, फिर ये वाले के अंदर और फिर इसके बाहर, फिर ये वाले के अंदर और इसके बाहर, तो हर एक सर्फेसेस पे कितना चार्ज है पूछा जाता है। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो क्लॉथ का पोर्शन कंप्लीट हो जाए। कुंदन सर आ चुके हैं बोकारो में ही, तो कुंदन सर आप लोगों को पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी से टॉपिक आगे की तरफ और एकदम तेजी से आगे की तरफ बढ़ाते लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा फोकस रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कोई कुछ सवाल पूछना है अभी पूछो, कोई सवाल अगर आपके मन में हो तो। कैसा भी सवाल नहीं है तो देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रीजन है, रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E नॉट x स्क्वायर i कैप के फॉर्म में है। ठीक है, i कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x एक्सिस के अलोंग है और वो नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि वो x के साथ चेंज हो रहा है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो आपको रीजन पे बताना है, ये वाला रीजन है, ये x एक्सिस y, अच्छा इसको इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस और इसको z एक्सिस, इसको लेते हैं और यहाँ पे हम एक इस तरीके का, ये क्यूब है जिसका साइड ए है और ये ओरिजिन है यहाँ पे, दिस वन इज ओरिजिन एंड एज एक्स इक्वल्स टू ए और एंड एक्स इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स कितने पे होगा ये, एक्स इक्वल्स टू थ्री ए पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताना है इस क्यूबिकल रीजन में, इस क्यूबिकल रीजन में कितना चार्ज स्टोर्ड है। आता होगा तो करो, नहीं तो मैं बताता हूं, पहले कोशिश करो, कैसे बताओगे, कोई हिंट देना चाहेगा मेरे को, रिस्पॉन्ड करो प्लीज। हेलो, हेलो गाइस, आवाज आ रहा है ना आप लोगों को,
सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना फिर से। क्वेश्चन है कि आपको एक्स एक्सिस के अबाउट दिख रहा है लोगों को, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर स्क्रीन दिख रहा। हाँ तो ये कह कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे इस तरीके से है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है रीजन में। तो यहाँ पे बताना है कि ये जो क्यूबिकल वॉल्यूम है यहाँ पे, ये क्यूबिकल वॉल्यूम जो है, इस क्यूबिकल वॉल्यूम पे कितना चार्ज एंक्लोज्ड होगा आपको बताना है। कोई सोचो सोचो कैसे। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, गॉस लॉ से ही आप सॉल्व करोगे। तो मुझे पहली चीज बताओ, ये ऊपर वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस फेस होगा, हाँ या ना? रिस्पॉन्ड करो। ये नीचे वाला जो फेस है उसका एरिया वेक्टर नीचे होगा, ये जो साइड वाला फेस है इसका एरिया वेक्टर साइड को परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली यहाँ पे एरिया वेक्टर इसको साइड को परपेंडिकुलर हुआ। सिमिलरली ये सामने फेस का जो एरिया वेक्टर होगा, ये सामने फेस वाला एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, और ये पीछे फेस वाला एरिया वेक्टर उसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे छह एरिया वेक्टर अभी आपको पता चल गया। तो यहाँ पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अबाउट होने के कारण आप हर एक जगह पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऊपर वाला सरफेस जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द अपर सरफेस ऑफ दिस क्यूब वुड बी जीरो। Similarly, the downward face area vector of the downward face would make a 90 degree angle with the electric field vector. So flux through the downward zero. समझ में आ रहा है बात? ये अरे नहीं आ रहा? हेलो, एरिया भी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक्स एक्सिस के अलोंग है और एरिया वेक्टर ये अलोंग वाई एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहाँ पे भी दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे भी फ्लक्स आपको जीरो मिलेगा, यहाँ जीरो मिलेगा। यहाँ पे जो नेट फ्लक्स मैं लिखूंगा, सो वो फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव फोर, जितने भी फेसेस हैं सबकी वजह से मैं यहाँ पे फ्लक्स ऐड कर रहा हूँ, छह फेसेस की वजह से। तो उनमें से चार फेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, बचा दो फेस। दो फेस, तो एक तो फेस ये वाला और तो इन ये पर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। आवाज कट रहा बहुत, आगे बढ़ेंगे। हेलो हेलो सर, आवाज कट कट के आ रहा है। एक सेकेंड रुको बच्चों, फिर बच्चों दो मिनट रुको, मैं नेटवर्क चेंज।
हेलो गाइस, आवाज आ रहा है सबको? यस सर। अभी भी आवाज कट कट क्या रहा है क्या? सर अभी आवाज कट कट क्या रहा है क्या? नहीं अभी सर। ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर। तो यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि जो भी बाकी चारों फेसेस थे उनके वजह से तो नेट फ्लक्स आपको जीरो मिल जा रहा है। बाकी बचे दो फेस है, वो कौन कौन से फेस है? ये वाला एक फेस है और ये वाला एक फेस है। तो जो पीछे वाला फेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वॉल्यूम ऑफ द रीजन में घुसेंगे, और जो दूसरा वाला फेस है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम ऑफ द रीजन से बाहर निकलेंगे। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना बोलो। ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इन हो रहा है और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो आउट हो रहा है। और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो अगर इन हो रहा होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को सरफेस इंटीग्रल इसके एरिया वेक्टर के साथ इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे आपको एट दिस फेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा बताओ? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है तो कितना मिलेगा बताओ जल्दी से? उस पूरे फेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना मिलेगा? वो x कहां पर हो रहा है? x equals to 2a पे है हो रहा है वो। तो x equals to 2a मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x equals to 2a इट विल बी e नॉट 4a स्क्वायर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है 4a स्क्वायर, और एरिया वेक्टर जो यहाँ पे रहेगा वो एरिया वेक्टर क्योंकि ए साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है तो इतना मैग्नीट्यूड ई नॉट फोर टाइम्स ऑफ ए रेज टू पावर 4, इतना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इन हो रहा है। सिमिलरली कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स आउट हो रहा है? ये x इक्वल्स टू 3a पे है। तो यहाँ पूछो, कुछ पूछना है सर? माइनस साइन भी लगेगा ना पहले वाले में? देखो यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लगा है, माइनस साइन क्यों नहीं लगा? आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पे साइन बोल दिया हुआ है, यहाँ पे फाइन बोल दिया है तो यहाँ पे साइन की जरूरत है नहीं। जैसे कि आप मानो कि एनर्जी है आपका, थर्मोडायनामिक्स आपने एनर्जी पढ़ा हुआ है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब एनर्जी सिस्टम के अंदर जाता है तो आप एनर्जी को पॉजिटिव लेते हो, जब एनर्जी सिस्टम के बाहर आ जाता है तो आप नेगेटिव लेते हो उसी एनर्जी को। तो बीइंग डिस्पाइट एनर्जी बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, यू एसोसिएट अ साइन विद दैट स्केलर क्वांटिटी जस्ट टू मेक योर कैलकुलेशंस फीजिबल। सिमिलरली यहाँ पे जो फ्लक्स है आपका वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे फ्लक्स इन अगर जा रहा है, बस ये डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लक्स अगर इन जा रहा है सो दैट मींस अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स इन ना बोल के सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स कहता तो आप ये कहते कि ये 0 4a raised to power 4 है। तो दैट ये साइन का मतलब है कि फ्लक्स इन जा रहा है, मतलब एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 180 डिग्री है इनके बीच में। ठीक है, इनके बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, ये मतलब हो जाता है। तो यहाँ पे जब मैं नेट फ्लक्स निकालने जाऊंगा, तो मैं ये कहूंगा कितना फाई आउट है माइनस फाई इन है। अगर आपने यहीं पे ही साइन ले लिया होता तो आप इसको फाई आउट प्लस फाई इन करते, बट यहाँ पे मैंने साइन नहीं लिया हुआ है इसके वजह से मैं यहाँ पे फाई आउट माइनस फाई इन कर रहा हूं। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा दिस विल बी 5 epsilon e naught 9 minus 4 5 a raised to power 4. So this much amount of net flux is going out of the net flux is going out of this, क्योंकि ये value positive आया हुआ है, हमने positive की value आउट की वैल्यू पॉजिटिव ली हुई है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज गोइंग आउट ऑफ द क्यूबिकल वॉल्यूम। एंड बाय गॉस लॉ वी नो दैट फ्लक्स थ्रू अ वॉल्यूम
will be equal to charge enclosed by that volume divided by epsilon naught. So yahan pe flux through this volume I got it to be 5 e naught e raised to power 4. So charge enclosed will be nothing, just this multiplied by epsilon naught. So this much amount of charge will be enclosed in that cubical volume. समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं पे पूछो मेरे को अभी. अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करो. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x by l i cap है और आपका रीजन है x 0 से लेके l तक, y 0 से लेके l तक और z को भी 0 से लेके l तक रखा. मुझे अब बताओ इस रीजन पे कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा. अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछो अभी. सर ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया. अगर ये हो गया हो तो और एक क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव टू फाइंड आउट इन द रीजन. Find charge enclosed spherical region of radius R centered at origin. पहला वाला हो गया. कितना आ रहा है यहाँ पे. सॉल्व कर रहे हो. हेलो. हाँ सर कर रहे
हो गया पहला वाला? हाँ सर। कितने लोगों का हो गया? हाथ उठाओ, कितने लोगों का हो गया है? बस बस दो ही लोगों का, बाकी लोग सॉल्व ही नहीं कर रहे हो क्या? हर्ष आपका भी नहीं हुआ है? संभवम, आवाज आ रहा है ना आप लोगों तक? हर्ष सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। कितने बार देखोगे? इतने देर तक तो क्वेश्चन चालू था। देखो जरा, देखो यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन और दे रहा हूँ यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहा हुआ है कि एक्स बाई एल आई कैप है, और आपको रीजन कहा हुआ है कि यहाँ पे फिर से वही क्यूबिकल रीजन है, लेकिन अब ये इसके सेंटर से गया हुआ है। ठीक है, ये एल है, ये एल है, और यहाँ पे भी एल है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन पे है। तो सेम चीज आपको ये सरफेस जो है ऊपर वाला, ये सरफेस जो है नीचे वाला, ये सामने वाला सरफेस, और ये सिमिलरली ये पीछे वाला सरफेस, इन सब पे तो फ्लक्स जीरो है। यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे भी जीरो है। बचा आपका दो ही सरफेस, ये वाला सरफेस एंड ये सामने वाला सरफेस। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है वो इन होगा, और यहाँ पे फ्लक्स जो है वो आउट होगा, और यहाँ पे फ्लक्स जो इन हो रहा है वो कहेंगे, क्योंकि ये जीरो पे हो रहा है, ये x इक्वल्स टू जीरो पे है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू जीरो इज जीरो, तो यहाँ पे फ्लक्स इन जीरो है। फ्लक्स आउट क्या है? ये कहाँ पे हो रहा है? x इक्वल्स टू l पे हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, एंड वहां का एरिया, ये सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? दैट विल बी एल स्क्वायर। तो इतना फ्लक्स यहाँ पे जा रहा है, नेट फ्लक्स आपको मिलेगा सिर्फ यही वैल्यू मिल रहा है, बाकी सब तो जीरो ही हो गया। तो नेट फ्लक्स इज दिस मच, एंड जो चार्ज एनक्लोज करेगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दिस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो आपको चार्ज एनक्लोज निकालना है, तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एल स्क्वायर। सिंपल था, ओरली हो जाना चाहिए था ये तो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हेलो हेलो, आगे बढ़ रहे हैं फिर? ठीक है, तो ये देखो, ये वाला थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इस पे देखो, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स आई कैप और जे कैप दोनों डायरेक्शन में वेरिंग कर रहा है। ये एक्स डायरेक्शन पे भी वेरी कर रहा है, और ये y डायरेक्शन पे भी वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपको जो रीजन है जहां पे चार्ज डिटरमाइन करना है वो एक स्फेरिकल रीजन है, वो एक स्फेरिकल रीजन है जिसका रेडियस r है, और वो सेंटर्ड एट ओरिजिन है। तो मतलब ये चैलेंजिंग है, ये इनफैक्ट एक ओलंपियाड का क्वेश्चन भी है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे भी वेरी कर रहा है, यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है? ex क्या कैसे वेरी कर रहा है? इट इज वेरिंग एज ex by x square plus y square, इस तरीके से वेरी कर रहा है, देखो है ना, ax by x square plus, और y डायरेक्शन पे भी, सॉरी ये y, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये मानो z है।